अतः जैसे कि आपने कहा कि अक्षर और काजल जी हमेशा हम आपको उनके साथ ही देखते, दूसरे एक्टर्स के साथ नहीं देखते, क्या कारण है? क्या फिल्म मैंने 12 फिल्में स्मृति सिन्हा के साथ किया तो सबसे ज्यादा फिल्में काजल जी और सबसे ज्यादा मैंने फिल्म स्मृति सिन्हा के साथ किया, 12 फिल्में। उसके बाद कोई एक्टर है तो उसका नाम है अंजना सिंह, उनके साथ किया मैंने। उसके बाद कोई एक्टर है तो अक्षरा सिंह, उसके बाद मोनालिसा, उसके बाद काजल, तो सबसे लास्ट में नंबर काजल का आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली। नहीं, सबसे लास्ट में काजल का नंबर आता है। लकी मैंने तनुश्री के साथ काम किया है, नेहा श्री के साथ किया, इंडस्ट्री की जितनी भी लड़कियां जो हैं मैंने पाखी जी के साथ काम किया है। एक खून भरी मांग मेरी फिल्म थी जिसके प्रोड्यूसर थे प्रदीप भैया, उसके डायरेक्टर थे आर राजकुमार पांडे जी। रानी चटर्जी के साथ मैंने 2 फिल्में की। तो कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं बची है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया है। अब देखिए विवाद चीज़ जो होती है, मेरे कहने का मतलब मैं आज भी नहीं जानता कि कौन हीरोइन है। मैं बस अपने लिए बोलता हूँ कौन हीरोइन है कौन नहीं है ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर ही तय करेगा। और मैं आज भी बोलता हूँ कि मैं किसी को रिकमेंड ना करता हूँ और ना ही आजीवन कभी करूँगा, क्योंकि डायरेक्टर के लिए कौन सी हीरोइन उसके स्क्रीन पे फिट है, उसके कहानी में फिट है, वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि एक डायरेक्टर एक कहानी को लिखने में 6 से 7 महीने 1 साल तक लग जाता है, तो उसको बखूबी पता होता है कि मेरे इस सिनेमा को कौन अच्छा कर सकता है, वो उसी को ले। चाहे देखिए विवादित चीज़ जो भी होती है, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंदर जाइएगा ना तो बहुत साफ सुथरी ये दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है। बस इसको इंजॉय करना चाहिए, हर इंसान को जीना चाहिए। इस दुनिया में आने के लिए हर इंसान तरसता है। कौन है यार, चाहे जो भी है, आज संगीत के माहौल में इंद्रासन का नाम आता है क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे एक जिंदगी जीना होता है। वैसा ही हमारी इंद्रासन है ये संगीत का जो दुनिया है जिसका नाम भोजपुरी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, जो भी इस दुनिया है संगीत से जुड़ी हर वो चीज़ इंद्रासन की तरह लगती है, बहुत खूबसूरत है। अंदर से भी बाहर से दुनिया की नज़र में क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अंदर से बहुत क्लीन है और बहुत अच्छे लोग यहाँ काम करते हैं। थैंक यू। और सर लास्ट टाइम मैंने आपको LallanTop.com में देखा था, आप एक जगह थे यूपी में, तो कभी आप एक्टिव रहते हैं पॉलिटिक्स में, तो कभी आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे फ्यूचर में? टाइम मिलेगा तो देखेंगे, ज्वाइन करेंगे। देखिए ऐसे ही बताइए, जब पब्लिक जैसे मुझे चाहेगी कि खेसारी तुम नेता बन के काम करो, अभिनेता बन के काम करो, मैं ज़रूर करूँगा। मैं उनके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, मैं अपने पब्लिक के लिए जीता हूँ। मुझे लगेगा कि नहीं, मैं अगर मुझे नेता बनने से मेरे कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र का, मेरे धरती का, मेरे बिहार का विकास होता है, तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं कोशिश करूँगा जो मैं अच्छा काम करूँ, जैसे उन लोगों ने सिनेमा में भेजा मुझे, वैसे ही अगर उनको भेजना होगा कि खेसारी तुम नेता भी बनो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जो मैं नेता बन के भी उनका प्यार। एक आखिरी सवाल है, अंजलि जी का सुसाइड हुआ था, भोजपुरी एक्ट्रेस, क्या कहना चाहिए उसको? अंजलि एक बहुत खूबसूरत एक्टर थी और उनका नाम मुझे सच में, जान लीजिए कि मैं उनका अंजलि नाम जानता ही नहीं था। मुझे जब उनका देहांत हुआ तो एक दिन बाद मुझे पता चला कि अंजलि नाम की कोई लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो मैं, यार अंजलि कौन है, अंजलि कौन है, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ, अंजलि को नहीं जानता। तो फिर किसी ने बताया कि नहीं भैया उसका नाम लवी था, तो उन्होंने मेरे साथ काम किया था। मैं फ़ोटो निकाला तो मुझे पता चला कि नहीं, इनका तो नाम लवी था और उन्होंने मेरे साथ सिनेमा भी किया है। लहू के 2 रंग था, एक सिनेमा मेरा और एक सिनेमा था कच्चे धागे, उसमें उन्होंने परफॉर्म भी किया था। बहुत बोली थी और मैं हाथ जोड़ के हर उस एक्टर से, हर उस कलाकार से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग प्लीज, आप अपने माँ बाप के एक धरोहर हैं, आपकी ज़िंदगी आपके साथ साथ आपके माँ बाप की एक विश्वास है, तो इस ज़िंदगी को ऐसे ही मत जाने दीजिए। कुछ करने की क्षमता है तो टाइम लीजिए, वक्त लीजिए, मेहनत करिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, इस धरती पे कोई काम मुश्किल नहीं है। एक लीटी बेचने वाला, एक भैंस चराने वाला आदमी आज यहाँ तक पहुँचा दिया पब्लिक ने, और जबकि मैं सपना तक नहीं देख सकता था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। आपको भी वैसा ही पब्लिक पहुँचाएगी, बशर्ते आप इंतज़ार करिए, अपने माँ बाप के विश्वास को प्लीज़ मत तोड़िए। क्योंकि 18 साल 20 साल 22 साल आपके माँ बाप का यही एक सपना रहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कुछ करे, उसकी ज़िंदगी में नाम हो, उसके वजह से उनका नाम हो। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल हरकत मत करिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी है, आपकी माँ बाप की, आपके पब्लिक की। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे हमें, आपके फैमिली को
और आपके हर उस जानने वाले को और आपकी पब्लिक को तकलीफ पहुंचे। चलते चलते एक आखिरी सवाल खेसारी जी, भोजपुरी में अगर लैला मजनू बनती है तो उसमें खेसारी लैला बनना पसंद करेंगे या मजनू बनना पसंद करेंगे? देखिए, मेरी पब्लिक को अगर लगता है कि खेसारी लैला में अच्छा लगता है तो मैं लैला भी बन जाऊँगा। अगर मेरी पब्लिक को लगेगा कि नहीं खेसारी को मजनू बनना चाहिए तो खेसारी मजनू भी है, मजनू तो हूँ ही मैं। और जहाँ जिसन तहाँ तिसन और ना करे तब मर्द कैसन, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत हुई कि एक मर्द ऐसा होता है कि हर मोमेंट जो अपने आप को हम जीते हैं ना, कभी सब्जी लाने वाला भी बन जाते हैं, कभी ड्राइवर अपने परिवार को फैमिली में ढोते हैं तो कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी अपने बच्चों को ले जाते हैं तो हम एक घर का सदस्य बन जाते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके एक माँ बाप का भी फ़र्ज निभाते हैं, एक पिता की फ़र्ज भी निभाते हैं, फूल में पानी डालता हूँ बाग में अपने तो कहीं ना कहीं माली बन जाता हूँ। तो एक मर्द का कर्तव्य है कि जहाँ जिसन तहाँ तिसन ना करे तो मर्द किसन, हमें अपने आप के लिए साबित करना होगा तो हम हर उस दौर से गुजर जाएंगे जहाँ मेरी पब्लिक का सपोर्ट और मुझे प्यार मिलेगा। तो मैं लैला बनना भी पसंद करूँगा, मजनू बनना भी पसंद करूँगा, बशर्ते मेरी पब्लिक का मुझे प्यार चाहिए और मुझे विश्वास है कि हर रोल में खेसारी को दुनिया प्यार। लड़कियों की बात करें तो कौन सी ऐसी बात है जो खेसारी को पसंद नहीं है? ऑनलाइन लड़की कब ऑफलाइन हो जाती है? कभी ऐसा हुआ है खेसारी के साथ चैटिंग करते हुए अचानक ऑफलाइन हो जाती है? देखिए, हमें तो उतना टाइम ही नहीं मिलता है जब हम किसी लड़की से चैटिंग करें, और चैटिंग करने के लिए वक्त भी तो चाहिए, और हमारे पास उतनी वक्त नहीं है कि हम किसी से चैटिंग करें, क्योंकि काम और इतनी सारी जिम्मेदारियां पब्लिक के हमारे सर पे है कि अगर हम इन सब चीज़ों में उलझ जाएंगे तो शायद हम अपने पब्लिक के कहीं ना कहीं जख्मी करके ही पहुँचेंगे। क्योंकि पब्लिक का इतना सारा प्यार मिलता है तो एक लड़की के प्यार में पागल होकर और चैटिंग करके अपने जीवन को कष्ट में डालने का कोई मतलब नहीं है और किसी को नहीं डालना चाहिए। चलते चलते ईद है, मेरे तरफ से इस चैनल द्वारा और इस चैनल के लोगों की तरफ से भी आप सबको ईद की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाइयाँ कि आप ऐसे ही हर उस ईद को मनाइए जब तक धरती रहे, मेरे भाई मेरे बहन ऐसे ही ईद मनाते रहे और अपनी जिंदगी को ऐसे ही चलाते रहे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू। लाजी भाई इसको खोल दीजिए, बोतल को खोलिए। तो ओम उच्चतम श्री शांति कलशन सिंहा गच्छा तिष्ठा, ओम उच्चतम श्री शांति कलशन।